तो सबसे पहले सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से गांव से। तो मेरे गांव का नाम है भैसन गांव, जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड कुमाऊं में। तो अभी समय हो रहा है करीब 8 बज रहे हैं और आज तारीख है 7 मई। तो चलिए आज के इस खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत करते हैं एक काम से। तो आज मेरे को यहाँ पर करनी है लिपाई और देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पर। ये किया है कोको ने, हमारे डॉगी ने। तो आज इसे थोड़ा सा लिपाई पुताई करने हैं और यहाँ पर गोबर और मिट्टी का जो घोल होता है वो तैयार है। तो आगे अब करते हैं इस काम को स्टार्ट। तो यहाँ की भी सारी लिपाई पुताई हो चुकी है और अंदर भी हो चुकी है और अभी जो है कोको को यहाँ पर अभी बाधा है। तो अभी देखिए क्या कर रहा है। भूख लग गई क्या है कोको? भूख लग गई, भूख लग गई। तो चलिए दोस्तों इसे आप थोड़ा सा खाना देते हैं, शायद इसे भूख लग गई है। ये तो चलिए कोको के लिए खाना तैयार करते हैं और एक गिलास दूध और दो रोटी दूध में मिक्स करके देते हैं इसे। तो चलिए, और धूप लग रही है बड़ी भयंकर सी वाली भाई। चलिए दोस्तों, कोको ने भी अब बहुत सारा खाना लपेट दिया है और इसे अब थोड़ा सा घुमाने लिए चलते हैं, क्योंकि खाने के बाद जो है ना इसका प्रेशर बढ़ जाता है और फिर टट्टी पेशाब नहीं कर देगा। चल रहे, छोड़ दे, मैं ले जाता हूँ। चल आ जा, कम कोको, कम, गुड बॉय, आ जा, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, आ जा आ जा कोको, कम। तो अभी कोको को यहाँ लेके आए हैं और यहाँ पर देखिए ये क्या है बताइए। यह है पहाड़ी मैना और इसे यहाँ बोलते हैं सिटोई। अरे कोको घर को चलता है क्या? आ जा, कम कम, आ, चल 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 चल। तो अभी देखिए यहाँ पर हैं हम और यहाँ का नज़ारा देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल सा है और यहाँ पर देखिए धूप जो है बड़ी भयंकर लग रही है अभी। और अभी टाइम क्या हो रहा है बताऊँ, 9:30 के आसपास अभी हो रहे हैं और ये है खल्याटी गांव। और परसों यहाँ एक शादी थी जो कल वाली वीडियो में आपने देखी होगी, तो वहाँ पर जो है ना वहाँ पर था। और एक शादी और है यहाँ पर, आज उसका महिला संगीत है और कल उसकी शादी है, तो शायद हम भी चल सकते हैं एक बार। तो यहाँ से जो है नज़ारे काफ़ी ब्यूटीफुल से दिखते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे चीड़ के पेड़ हैं। और अभी कोको को यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश करा दिया है और अभी से ले चलते हैं घर को। दोस्तों ये जो आपको सामने ये मुर्गा दिख रहा है ना, ये है ये लड़ाकू मुर्गा, काटने के लिए आ रहा है सबको। तो मुझे तो नहीं आता, पर अपने मालिक को काय को आएगा खाली। तो इसको थोड़ा सा बगल दूर में छोड़ के आते हैं एक बार। तो आ जा रहे, ये देखो जंगली टाइप का है एकदम। सबसे ज़्यादा काटने के लिए इसको जाता है और इसको मतलब घर वाल बाकी सारे लोग जो परिवार में हैं उनको काटने के लिए जाता है, मेरे को छोड़ के। तो इसे थोड़ा सा दूर छोड़ के आते हैं। आजा। ले को भी छोड़ दिया है बगल वाले खेत में और अभी हर्षित मंगू को देखे यहाँ पर। ए मेरे दोस्त चुप जा भाई, ये अंडर गियर तो ऊपर कर ले थोड़ा सा। ओए ओ नंगू, अलील चुप जा लो भो, अंडर गियर ऊपर करना है थोड़ा सा, नंगा पुंगा बन के घूम रहा है यार तुम। तो यार बचपन में ऐसा ही होता है, जिसे भी मतलब जो भी हो ना, जो भी बच्चा हो, नहलाने वक्त पक्का रोता है एक ना एक बार। और
ऐसा है, देखिए जब भी इसका हाथ मुंह धोते हैं नहलाते हैं ना तो पक्का रोता है एक। और जो हमारा मुर्गा है ना, मुर्गा तो उसका जो जानी दुश्मन है ना ये है, देखो ये इससे इतनी नफरत करता है, और दुनिया में किसी से इतनी नफरत नहीं करता जितनी इससे करता है। और तो अभी हम देखते हैं आगे आगे क्या होता है। और नंगा पुंगा मेरा दोस्त कहाँ से आया हरू? ओ मेरे दोस्त क्यों रो रहा है रे, इतना इसे स्मार्ट तो बन गया है तू, अभी तो नंगा भी नहीं है, है? दोस्तों स्वच्छता जैसे कि शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, तो अपने डॉगी को भी स्वच्छ रखते हैं। और इसकी आज पहली बार इसे नहला रहे हैं, और इसके तो है बिल्कुल साफ बनाना है, क्योंकि मिट्टी में लोट पोट लेके ना बिल्कुल गंदा हो गया है, तो इसको भी थोड़ा सा साफ सुथरा रखते हैं। और ये लगभग आज 50 दिनों का हो गया है, लगभग आसपास 2 महीने का मान लीजिए आप, और इसे आज पहली बार नहला रहे हैं, देखते हैं इसका रिएक्शन कैसा रहता है। तो चलिए इसे नहलाते हैं। उस समय करीब 12:30 हो रहे हैं, और अभी मैंने एक अपनी मुर्गी बच्चा आधा जो छोटा छोटा काला वाला है ना, तो उसे ढूंढ रहा था, तो सुबह से गायब है, और आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर है, और लगभग 2 घंटे से गायब हो गया है, और मतलब गायब हो गया था, और यहाँ पर अभी बैठा हुआ है आराम से। तो इसे अब ले चलते हैं इसके ठिकाने पर। अरे भाई साहब, तो ये है भैया मुर्गा, तो इसे आप अंदर डाल देते हैं एक बार। ये खाने में बना है मिक्स की दाल, और जो कि मैंने ही बनाई है, और यह है कटहल की सब्जी जो कि कल रात की बची हुई थी, तो अभी इसे गर्म करके आज टपकी के रूप में इसका उपयोग होगा आज। और ये है मिक्स दाल जो कि दिखने में बढ़िया लग रही है, पर अभी देखते हैं टेस्ट करके बताएंगे, तो हमारी मम्मी जी बताएंगी कि कैसा हो रहा है करके, और थोड़ा देर में अभी खाएंगे। तो अभी करीब 2 बज रहे हैं, और अभी देखिए कैसे हवा चल रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि छैण छैण हो रहे छैण, पता ना कैसे कुछ बोलते हैं, अभी हमारी ताई जी बोल रही थी, और देखे और छैण भयाओ, पता नहीं अब हमें उतना आता नहीं है बोलना, अब क्या कर सकते हैं। और अभी देखिए कैसी तेज़ हवाएँ चल रही हैं, ये हवा इसको पता है कहाँ से आई हवा, कहाँ से आई? अच्छा वहाँ से, ये बोला है कि यहाँ से हवा आई और यहाँ से आते आते वहाँ को चली गई, ऐसा बोल रहे हैं ये आयुष्मान। हाँ हाँ,